हुती विद्रोह ने इसराइल के नेविटम एयरबेस को एक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। इसके अलावा ग्रुप की ओर से कहा गया है कि उसने यमन के अल जोफ प्रांत के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। हुती सैन्य प्रवक्ता याहा सरेह ने टीवी पर प्रसारित एक बयान में कहा है, गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला के समर्थन में हमने नेविटम एयरबेस की ओर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। हुती विद्रोह ने अब तक कई MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं और अमेरिका ने इस पर चुप्पी साध रखी है। ये वही ड्रोन है जिसके लिए भारत ने करीब $3.5 अरब की डील की है। हुतियों के पास एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल 358 है जो इस ड्रोन को आसानी से मार गिरा सकती है। हुतियों को ये मिसाइल तकनीकी ईरान से मिलती है लेकिन तेहरान इसका खंडन करता है। हुती साल 2014 से लेकर अब तक इस ताकतवर अमेरिकी ड्रोन को कई बार मार गिरा चुका है। हुतियों ने अमेरिकी ड्रोन पर क्या कहा है आपको ये भी बता देते हैं। सरेया ने कहा है, हमारे हवाई सुरक्षा बलों ने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने में कामयाबी हासिल की जो आज शुक्रवार को तड़के अल जोफ प्रांत के हवाई क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण मिशन को अंजाम दे रहा था। इस ड्रोन को मार गिराने के साथ ही नवंबर 2023 से अब तक इस तरह के कुल 12 ड्रोन मार गिराए हैं। हम इजरायली दुश्मन मतलब लाल सागर में नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेंगे, साथ ही फिलिस्तीनी और लेबनानी लोगों को समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ग्रुप के सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गाजा और लेबनान पर इजरायली आक्रमण बंद नहीं कर देता। इस मामले पर अमेरिका ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। ये वही ड्रोन है जिसके लिए भारत ने अमेरिका से $3.5 अरब की डील की है। भारत ने 31 ड्रोन खरीदे हैं। इन अमेरिकी ड्रोन्स को कई बार निशाना बनाया जा चुका है, इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट इस ड्रोन की डील करने की आलोचना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।